दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में लव अफेयर का होना आम बात है। यहाँ पर बहुत आसानी से कोई भी रिलेशनशिप में पड़ सकता है, लेकिन इनका ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता। और आज ये कलाकार जितनी जल्दी रिलेशनशिप में पड़ते हैं, उतनी जल्दी इनके अलग भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे एक्टर से मिलवाएंगे जो पिछले कई सालों से शादी के बंधन में बंधे हैं, और आज इन अभिनेताओं को बॉलीवुड इंडस्ट्री में जोरू का गुलाम कहा जाता है। अगर आप भी ऐसे अभिनेताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें। नंबर 5, अभिषेक बच्चन। दोस्तों, भले ही अभिषेक बच्चन को बॉलीवुड फिल्मों में कुछ खास पसंद न किया जाता हो, लेकिन आज इनकी शादी एक सफल शादी मानी जाती है। हम आपको बता दें कि इन्होंने साल 2007 में बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय से शादी की। शादी से पहले ये दोनों एक साथ बॉलीवुड फिल्म गुरु, कुछ ना कहो, उमराव जान, धूम 2 में नजर आए थे, जिनमें इनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया। और शादी के 12 साल बाद ये दोनों एक साथ हैं। आज अभिषेक बच्चन को जोरू का गुलाम कहा जाता है। नंबर 4, रितेश देशमुख। दोस्तों, रितेश देशमुख की कॉमेडी को दर्शक खूब पसंद करते हैं। इनकी कॉमेडी फिल्में दर्शकों को आज भी याद रहती हैं। लेकिन बात की जाए अगर रितेश देशमुख की पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम जेनेलिया है, जिनसे इन्होंने साल 2012 में शादी की। हम आपको बता दें कि इन दोनों की जोड़ी को एक साथ बॉलीवुड फिल्म तुझे मेरी कसम और तेरे नाल लव हो गया में देखा गया, और इस फिल्म इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। शादी के 7 साल बाद भी रितेश अपनी पत्नी से काफी प्यार करते हैं, यही वजह है कि आज रितेश देशमुख को जोरू का गुलाम कहा जाता है। नंबर 3, शाहरुख खान। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में अगला नंबर आता है बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान का, जिनको बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। साथ ही इनको किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता है, और इनकी फिल्म को दर्शक आज भी पसंद करते हैं। हम आपको बता दें कि शाहरुख खान ने 1991 में गौरी खान से शादी की, और आज भी शाहरुख खान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। यही वजह है कि शादी के 28 साल बाद भी इन दोनों का रिश्ता कायम है। इसी वजह से आज शाहरुख खान को जोरू का गुलाम कहा जाता है। नंबर 2, अजय देवगन। दोस्तों, अजय देवगन और काजोल की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आती है, और आज भी ये जोड़ी बॉलीवुड की नंबर 1 जोड़ी है। हम आपको बता दें कि अजय देवगन ने काजोल से 1999 में शादी की। इसके अलावा ये बॉलीवुड फिल्म प्यार तो होना ही था, हलचल, दिल क्या करे जैसी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं। आज शादी के 20 साल बाद भी इन दोनों का रिश्ता कायम है, और जब से अजय देवगन की शादी काजोल से हुई है, तब से अजय देवगन का किसी भी अभिनेत्री के साथ लव अफेयर देखने को नहीं मिला। इसी वजह से ये भी बन गए जोरू के गुलाम। नंबर 1, अक्षय कुमार। दोस्तों, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी भी बॉलीवुड के नंबर 1 जोड़ियों में गिनी जाती है। इन दोनों को आप लोगों ने एक साथ बॉलीवुड फिल्म जुल्मी और इंटरनेशनल खिलाड़ी में देखा होगा, जहां एक और अक्षय कुमार का लव अफेयर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता था, तो दूसरी ओर ट्विंकल खन्ना से शादी करने के बाद इनका कोई भी रिलेशनशिप सामने नहीं आया। और आज शादी के 18 साल बाद भी अक्षय कुमार अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, जो कि अच्छी बात है, और आज भी इन दोनों का रिश्ता कायम है। और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय भी बन गए जोरू के गुलाम। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी जोड़ी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।